तो दोस्तों खुद के बारे में जानने की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हमारे अंदर क्या अच्छी चीज पड़ी हुई है जिसका हम बेस्ट इस्तेमाल करके जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, और क्या हमारे अंदर बुरी चीज है जिसको हम निकाल के फेंक दे जिससे कि हमारे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में जो बाधा ना डाले। तो उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स है और कौन सी वीकनेसेस है। अगर आपको पता ना हो कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दूं कि आपकी कोई अच्छी आदत, कोई अच्छे गुण, आपका कोई प्लस पॉइंट जो आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा तो वो है आपके आपकी स्ट्रेंथ्स। और अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपके कोई बुरे गुण है, आपकी कोई लिमिटेशंस है, यानी कि आपके माइनस पॉइंट्स, जिसको हम बोलेंगे आपकी वीकनेसेस, यानी कि आपकी निर्बलता। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक कागज लेना है, एक पेन लेनी है, और आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती है, आपके जो प्लस पॉइंट, आपकी अच्छी आदतें, तो वो आपको लिखने हैं। आपको आपकी स्ट्रेंथ लिखने के बाद उसके नीचे आपकी वीकनेसेस लिखनी है, आपकी बुरी आदतें, आपके अंदर जो लिमिटेशंस है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे हो, जिसने आपको लाइफ में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। दोस्तों ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उसका आपको बेस्ट इस्तेमाल करना है, और जो आपके बारे में बुरा है, जो आपको नीचा गिरा रही है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने से रोक रही है, तो उसको आपको अपने जीवन में से निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छे से लिख लीजिए आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी क्या है। दोस्तों मैनेजमेंट की जितनी भी स्टडीज होती है उसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट SWOT, SWOT analysis, S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities and T for threats. Opportunities यानी कि मौके, तक जिसको मिलती है, जिसको मौके मिलते हैं हम बोलते हैं ना, उसको opportunities बोलते हैं, और threats यानी कि डर। ठीक है दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखना कि SWOT analysis अगर आप अपने बारे में कर रहे हो तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज होगी, आपको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जितनी ही आपकी वीकनेसेस होगी, जितनी ही आपकी निर्बलताएं होगी, लिमिटेशंस होगी, उतनी कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, साथ में थ्रेट्स बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और वीकनेसेस बढ़ेगी तो थ्रेट्स, डर बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो आपकी लिमिटेशन हुई, नहीं आता तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये डर भी है तो डर भी बढ़ा। अगर आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, अगर ये चीज मुझे आती है तो मुझे उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ काम मिलेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ज्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मेरी स्ट्रेंथ है मेरी स्पीच अच्छी है, मुझे बोलना आता है, तो क्या होगा, मेरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मुझे बोलने के रिलेटेड जो भी कुछ काम मार्केट में होंगे वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, बोलने से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। समझ लीजिए कि मेरा एक दोस्त मेरे साथ है जिसको बाकी सारे काम आते हैं लेकिन उसके पास स्पीच नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ में स्पीच नहीं है, तो कोई इंसान आता है और हम दोनों में से किसी को पूछता है कि ये काम कौन कर सकता है, तो सीधी सी बात है ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, मेरे फ्रेंड के लिए नहीं है। तो हमेशा याद रखनेगा कि आप जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज्यादा आपको मौके मिलेंगे, आपको तक मिलेगी आगे आने की, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और जितने ही ज्यादा आपकी वीकनेसेस होगी उतना ही डर बना रहेगा। तो दोस्तों ये याद रखें कि स्ट्रेंथ कितनी आपको बढ़ानी है और वीकनेसेस आपको अपनी लाइफ में से रिमूव करनी है। शायद ये भी हो सकता है कि आप वीकनेस को रिमूव करोगे लाइफ से तो वही चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और ये पूरा चित्र आप बना लोगे, स्वॉट एनालिसिस पूरा का पूरा आप कर लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप सक्सेस तक कितना जल्दी पहुंच सकते हो, कौन सा टूल का इस्तेमाल सही तरीके से करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों